हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शेक्सपियर के फूल्स एंड क्लाउन से क्वेश्चन देखने वाले हैं कि शेक्सपियर फूल्स एंड क्लाउन से क्वेश्चन होंगे और एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है फूल और क्लाउन से। अगर क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ से बनेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओरिजिनल रोल ऑफ द फूल इन मिडिवल टाइम्स। मिडिवल टाइम मतलब मध्यकाल में, ठीक है, हिंदी लिख दे रही हूँ मैं, मध्यकाल में। ओके, कहने का मतलब ये है कि मिडिवल टाइम में जो फूल थे उनका मूल कार्य क्या था, उनका ओरिजिनल रोल क्या था मिडिवल पीरियड में। मिडिवल पीरियड में जो फूल थे, जो मूर्ख काम था, जेस्टर का काम था, उनका ओरिजिनल रोल क्या था, कोर्ट जेस्टर था या फिर लाइसेंस क्लाउन ऑफ द फीस्ट ऑफ फूल्स था, कि दोनों ही थे या दोनों में से कोई नहीं थे, बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, जो मिडिवल टाइम में जो फूल थे वो अलग अलग प्रकार के वैरायटी थी इनकी, जैसे कि कोर्ट जेस्टर टू द लाइसेंस क्लाउन ऑफ द फीस्ट ऑफ फूल्स, ये दोनों ही थे। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ओके, दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस फीचर क्लाउन्स आर फूल्स। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि शेक्सपियर के कितने प्लेज में क्लाउन या फूल्स कैरेक्टर दिखाई देते हैं, ठीक है। शेक्सपियर के कितने प्लेज में हमें क्लाउन्स या फिर फूल्स बोल सकते हैं, इनका फीचर दिखाई देता है, मतलब कैरेक्टर दिखाई देते हैं, 10, 15, 22 या 30, बताना है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो शेक्सपियरियन फूल्स थे, शेक्सपियरियन जो फूल थे वो एक कैरेक्टर थे जो शेक्सपियर के कई वर्क में अपीयर हुए थे, बहुत सारे वर्क में वो अपीयर हुए थे और शेक्सपियर ने इसका यूज़ भी किया था, जैसे कि नेचुरल फूल या फिर इडियट, इंटरटेनमेंट के लिए उन्होंने यूज़ किया था। और जैसे क्लाउन्स और फूल्स अपीयर हुए थे कितने प्लेज में, तो 22 ऑफ हिज प्लेज, ठीक है, 22 ऐसे प्लेस थे जहाँ पे क्लाउन और फूल्स अपीयर हुए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हु परफॉर्म्ड द फूल्स पार्ट्स इन शेक्सपियर्स कंपनी। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि शेक्सपियर के कंपनी में जो फूल्स थे, फूल्स कैरेक्टर की भूमिका कौन निभाता था, शेक्सपियर की कंपनी में जो फूल्स के पार्ट्स थे, यानी कि मूर्ख वाला जो जेस्टर का काम करना था या फूल का काम करना था, कौन सा कैरेक्टर निभाता था फूल का काम, फूल या जेस्टर का रोल कौन निभाता था, थॉमस थॉर्प एंड रिचर्ड फील्ड या विलियम कैंप एंड रॉबर्ट अर्मिन, विलियम जैगार्ड एंड फ्रांसिस मेयर, आइजिक एसिमो एंड राल्फ वाल्ड एम इमर्सन, बताना है यहाँ पे, ठीक है, कौन थे वो जिन्होंने ये किया था फूल्स के पार्ट्स को, यानी कि उनकी फूल के कैरेक्टर को भूमिका निभाई थी। सो राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, विलियम कैंप एंड रॉबर्ट आर्मिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फूल इन शेक्सपियर प्लेज। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि शेक्सपियर के प्लेज में जो मुख्य कैरेक्टर की मुख्य विशेषता क्या थी, ठीक है, यानी कि फूल की यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शेक्सपियर के प्लेज के जो फूल रहते थे उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, मुख्य विशेषता क्या थी। दे आर ओनली पार्ट ऑफ द एक्शन ऑन द स्टेज, कि वे सिर्फ स्टेज पर एक्शन के पार्ट हुआ करते थे, कि दे स्पीक डायरेक्टली टू द ऑडियंस, कि वे डायरेक्ट ऑडियंस से ही बात करते थे, या दे डू नॉट प्रोवाइड एनी कॉमेंट्री ऑन द एक्शन, वो किसी भी एक्शन पर कोई भी कॉमेंट्री नहीं प्रोवाइड करते थे, कि दे आर ऑलवेज सीरियस कैरेक्टर्स, कि वे सीरियस कैरेक्टर्स थे। ये तो ऐसे ही कट जाएगा क्योंकि फूल और जेस्टर तो सीरियस कैरेक्टर हो ही नहीं सकते, उनका काम ही है कॉमेडी करना, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फूल जो है उसकी मेन विशेषता क्या थी, शेक्सपियर के प्लेज में जो फूल है उनके मेन विशेषता क्या है, आपने बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, वे डायरेक्टली ऑडियंस से बात करते थे ना, दे स्पीक डायरेक्टली टू द ऑडियंस, ये मुख्य विशेषता थी उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, स्टार्टिंग से हमने पढ़ा है, ठीक है, इसके पहले मैंने शेक्सपियर के सोनेट एंड नॉन ड्रामेटिक पोएम्स देखे थे, उसके पहले भी हमने पढ़ा था,
शेक्सपियर के कुछ ऐसे प्लेस थे वो भी देखे थे। अभी हमने ये पढ़ा है कि शेक्सपियर के फूल्स एंड क्लाउंस हैं, और क्वेश्चन के थ्रू हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई आपकी थ्योरी नहीं है, क्वेश्चन के थ्रू है। अकॉर्डिंग टू रॉल्फ वॉल्ड इमर्शन, वॉट डिड द क्लाउन इन शेक्सपियर्स प्लेस डू। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि रॉल्फ वॉल्डो इमर्शन के अनुसार शेक्सपियर के प्ले में जो फूल हैं, जो जेस्टर हैं, जो क्लाउन हैं, वो क्या करता था, क्या करते थे। रॉल्फ वॉल्डो इमर्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि शेक्सपियर के प्लेज में जो क्लाउन हैं, जो फूल हैं, वो क्या करते थे। इंटरटेन विद वर्बल विट या शैंक सॉन्ग्स एंड परफॉर्म ट्रिक्स की ब्रेथ लाइफ इन टू डेड बॉडीज की प्लेड सीरियस रोल ओनली, बताना है यहाँ पे, ठीक है। ये जुकाम ने बहुत परेशान कर दिया है। ओके, बताना है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, जो रॉल्फ वॉल्डो इमर्शन थे ना, उन्होंने शेक्सपियर के प्लेज में जो क्लाउन थे उनके बारे में कहा था, ही ब्रेथड अपॉन डेड बॉडीज एंड ब्रॉट देम इनटू लाइफ। तो ही ब्रेथड अपॉन डेड बॉडीज, आगे आपकी ये पूरी लाइन है, एंड ब्रॉट, ठीक है, एंड ब्रॉट देम इनटू लाइफ, ठीक है। ये था, ये काम था क्लाउन का, शेक्सपियर के प्लेज में जो क्लाउन थे उनका यही काम था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, व्हाट डज नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज आइजेक, इसको आइजेक भी पढ़ते हैं, एसिमो शे अबाउट द सक्सेसफुल फूल इन शेक्सपियर प्लेज। यानी कि जो आइजेक एसिमो के अनुसार शेक्सपियर के सक्सेसफुल जो फूल हैं कैरेक्टर के बारे में क्या कहा गया है, इन्होंने क्या कहा है। सिंपल है कि आइजेक एसिमो ने शेक्सपियर के सक्सेसफुल फूल के बारे में क्या कहा है, जो सक्सेसफुल फूल थे, कैरेक्टर थे, उनके बारे में क्या कहा है शेक्सपियर के प्लेज में, कि ही इज़ ट्रूली अ फूल, कि ही इज़ नॉट अ फूल एट ऑल, कि ही इज़ ऑलवेज अ सीरियस कैरेक्टर, कि ही नेवर प्रोवाइड्स एनी विजडम, बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो आइजेक एसिमो ने गाइड, यहाँ पे बताऊँगी थोड़ा सा, यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेते हैं हम लोग, कि आइजेक एसिमो ने, इन्होंने कहा था कहाँ पे, गाइड टू शेक्सपियर में, गाइड टू शेक्सपियर में, ठीक है, शेक्सपियर में इन्होंने कहा था, कहा क्या था ये भी देख लेते हैं, कि दैट ऑफ कोर्स, पूरा लिख दे रही हूँ, क्या पता लाइन ही पूछ ली जाए, दैट ऑफ कोर्स इज द ग्रेट सीक्रेट, इज द ग्रेट सीक्रेट, सॉरी, ठीक है, सीक्रेट ऑफ द सक्सेसफुल फूल, ऑफ द सक्सेसफुल फूल, आगे फिर ये लाइन बोलते हैं, ठीक है, ये जो है आपका, दैट ही इज नो फूल एट ऑल, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ये लाइन है आपकी, दैट ही इज नो फूल एट ऑल, ठीक है, तो ये लाइनें इन्होंने कही थी, राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच कैरेक्टर इन विंटर्स टेल इज अ रोग। तो आगे पूछा जा रहा है कि विंटर्स टेल में कौन सा कैरेक्टर दुष्ट है, रोग मतलब वैसे भी होता है दुष्ट, कौन सा कैरेक्टर है जो दुष्ट है, क्लाउन, ऑटोलिकस, या फिर लैंस, या डॉगबेरी, कौन है, बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, जो विंटर्स टेल में ऑटोलिकस है, सॉरी विंटर्स टेल में जो आपका ऑटोलिकस है, बिल्कुल ऑटोलिकस ही है विंटर्स टेल में, जिसे रोग कहा गया है, ठीक है, ये क्लाउन भी है और रोग कहा गया है, यही दुष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज द वाइज कोर्ट जेस्टर इन किंग लियर। तो किंग लियर में सबसे बुद्धिमान कोर्ट जेस्टर कौन है, पक है, या फिर फूल है, निक बॉटम है, सर जॉन फॉलस्टाफ है, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, नहीं भी पता रहेगा तब भी ऑप्शन ऐसे हैं कि आप एलिमिनेट कर सकते हैं। पक तो किंग लियर में है नहीं,
निक बॉटम भी किंग लियर में नहीं है, फॉलस्टाफ भी किंग लियर में नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका द फूल हो जाएगा। ठीक है, किंग लियर में कौन समझदार दरबारी मूर्ख है यानी कि फूल है, वो आपका फूल ही है, द फूल, यानी कि इसका इसका क्लाउन कौन है किंग लियर का, द फूल है। हु इज़ द सिंपल माइंडेड फूल इन मिड समर नाइट ड्रीम, तो मिड समर नाइट ड्रीम में सिंपल माइंडेड फूल किसे कहा गया है, क्लाउन को, ग्रेवडिगर्स को, कि रूड मैकेनिकल्स को, कि जैक्स को, किसे कहा गया है। ठीक है, हु इज़ द सिंपल माइंडेड फूल इन मिड समर नाइट ड्रीम, किसे कहा गया है, मतलब सिंपल माइंडेड फूल किसे कहा गया है मिड्समन नाइट ड्रीम में, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब क्लाउन तो होगा नहीं, ग्रेव डिगर्स तो हैमलेट में, हम ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग, अगर आपको नहीं भी पता तो एलिमिनेट कर सकते हैं। जैक्स तो आपका एज यू लाइक इट में है, तो रूड मैकेनिकल्स यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है, तो यही हो जाएंगे, तो याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। Which fool is known as a fellow of infinite jest? Important सब है, ये सब important लगाना चाहूँगा। अगर ये easy question से पूछ रहा है ना, हम easy question तो छोड़ देते हैं, अरे ये तो easy है, कौन clown या fool से question कैसे आएंगे, तो अंदर अंदर से अगर clown या fool से question पूछ लिया ना, तो ये बहुत ही important question हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपके ना tough है ना ही easy बोल सकते, moderate में ऐसे question आते हैं। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि किस फूल कैरेक्टर को एक असीम हास्य का साथी कहा जाता है, कौन है, मतलब किसे किस इसमें कौन से फूल कैरेक्टर को अ फीलो ऑफ इनफाइनाइट जेस्ट कहा जाता है। योरिक जो कि हैमलेट में है, फेस्टे ट्वेल्फ नाइट में है, टच स्टोन एज यू लाइक इट में, कि ऑटोलिकस विंटर स्टिल में, तो किस फूल को कहा गया है अ फीलो ऑफ इनफाइनाइट जेस्ट। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, योरिक इन हैमलेट, इसे ही कहा गया है योरिक को, तो योरिक इन हैमलेट इज नोन एज अ फिलो ऑफ इनफाइनाइट जस्ट, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हु इज द डोमेस्टिक फूल इन ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, तो ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल में डोमेस्टिक फूल किसे कहा गया। वैसे डोमेस्टिक फूल एक दो हैं, ऐसा नहीं है कि सभी को डोमेस्टिक फूल कहा गया, एक दो बस याद रखना है क्वेश्चन में, वैसे इसमें मिलेगा आपको दोनों ही, पक को, लवाचे को, टच स्टोन को, कि कोस्टर्ड को, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल में पूछा गया है, तो ध्यान रखना है पक तो ऐसे भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं, बाकी टच स्टोन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। आपके सामने लवाचे दो ऑप्शन रखी हूँ, आप आंसर कर सकते हैं। अभी पक तो मिड्समन नाइट ड्रीम में चले जाएगा, और टच स्टोन जो है यहाँ पे प्ले पूछ लिया है ना इस वजह से, तो टच स्टोन को भी हम एलिमिनेट कर देते हैं। आपके ऑप्शन में लवाचे हैं, कोस्टर्ड है, कौन है बताना है। ठीक है, कि ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल में डोमेस्टिक फूल कौन है। ठीक है, तो लवाचे ही है यहाँ पे, लवाचे ही डोमेस्टिक फूल है। ठीक है, आगे अभी एक और है बट बताऊंगी नहीं, क्योंकि आगे आपके क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो। नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट रोल डज पक प्ले इन मिडसमर नाइट ड्रीम। अगला जो क्वेश्चन है कि मिडसमर नाइट ड्रीम में जो पक है उसका काम क्या है, वो क्या करता है मिड्समर नाइट, रोग है कि डोमेस्टिक फूल है, कि जेस्टर टू सिंग फॉर ओबेरॉन है, कि सिंपल माइंडेड फूल है। तो रोग तो नहीं है, रोग कौन है, ऑटोलिकस है। डोमेस्टिक फूल कौन है, अभी जस्ट हमने पढ़ा है। डोमेस्टिक फूल कौन है, लवाचे है। सिंपल माइंडेड फूल कौन है, अभी जस्ट हमने पढ़ा है। सिंपल माइंडेड फूल कौन है, अभी जस्ट हमने रूड मैकेनिकल्स है ना, रूड मैकेनिकल्स अभी जस्ट हमने पढ़ा है, सिंपल माइंडेड। तो ये तीनों ही नहीं हुए, बचा क्या, सिर्फ सी बचा, अजेस्टर टू सिंग फॉर ओबेरॉन। ऑप्शन भी आपके ऐसे हैं कि आप एलिमिनेट करके आंसर कर सकते हैं, अगर आपको नहीं भी पता है बाय द वे तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा, कि जो मिड्समन नाइट ड्रीम में जो पक है वो क्या करता है, जेस्टर तो है, वो जेस्टर है, बट क्या करता है, ओबेरॉन के लिए एक गायक के रूप में काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ निक बॉटम अमिड्समन नाइट ड्रीम। अमिड्समन नाइट ड्रीम में जो निक बॉटम है उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है निक बॉटम का। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया था, पक, यहाँ पे पक ही पूछा गया था, यहाँ पे सेम वही चीज़ है, निक बॉट सॉरी यहाँ पे निक बॉटम का पूछा गया कि निक बॉटम क्या है। ठीक है, पक को तो रॉबिन गुड फिलो कहा जाता है, आई थिंक मैं भूल रही हूँ, कोई नहीं, निक बॉटम अलग है। यहाँ पे बताना है कि व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ निक बॉटम अमिड्समन नाइट ड्रीम।
तो बताना है मिड्समर नाइट ड्रीम में निक बॉटम की मुख्य विशेषता क्या है। वॉइस एंड सीरियस है कि बफन एंड लीडर ऑफ द वर्कमैन है कि सिंपल माइंडेड एंड गलीपल है। पेडलर एंड कौन है तो जो निक बॉटम की मुख्य विशेषता है वो कौन है, बफन एंड लीडर ऑफ द वर्कमैन है। ठीक है, याद रखना है इसको। तो ये भी निक बॉटम मिड्समर नाइट ड्रीम में है, एक बफन अ लीडर ऑफ वर्कमैन, मजाकिया है, बफन मजाकिया है और कामगारों का नेता भी है। हु मीट इन वुड्स रिहर्स द प्रोडक्शन ऑफ द प्ले विद इन अ प्ले पैरामिस एंड थिस्बे। ठीक है, याद रखना है। निक को ही ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था ना, निक बॉटम को ही ट्रांसफॉर्म कर दिया था पक्के द्वारा एक डंकी हेड में, जो बन जाता है लवर ऑफ टाइटेनिया। आगे क्वेश्चन है अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इन विच प्ले डज सर जॉन फॉलस्टाफ प्राइमरली अपीयर। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस प्ले में सर जॉन फॉलस्टाफ मुख्य रूप से दिखाई देते हैं। द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, हेनरी फोर्थ पार्ट वन एंड पार्ट टू, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट। तो दो ऑप्शन ऐसे ही हम एलिमिनेट कर सकते हैं, बचा दो, आपने बताना है दोनों में। देखिए दोनों में यूज हुए हैं, जो जॉन फॉलस्टाफ हैं वो दोनों प्ले में ही अपीयर हुए हैं, बट यहाँ पे क्या पूछा है, प्राइमरली अपीयर, प्राइमरली यहाँ पे मुख्य है ना, मुख्य रूप से बताना है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, आगे अगर हम पूछा जाए वैसे दोनों ही प्लेज में ये अपीयर हुए हैं, दोनों ही प्लेज में, बट अगर पूछा जाए कि ही फॉलस्टाफ अपीयर प्राइमरली हेनरी फोर्थ पार्ट वन पार्ट टू एज अ कंपेनियन टू प्रिंस हाल, तो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। हेनरी फोर्थ पार्ट वन एंड पार्ट टू में ये मुख्य रूप से अपीयर हुए थे। वैसे तो मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में भी हैं, लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप से पूछा गया, सो हम बी पे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्वेश्चन कैसे लगे, कितना आपने स्कोर किया है, स्कोर ज़रूर बताया करिए कितना आपने स्कोर किया है। व्हाट इज़ द ओरिजिनल नेम ऑफ सर जॉन फॉलस्टाफ, सर जॉन फॉलस्टाफ का ओरिजिनल नेम क्या है। ऑप्शन में है जॉन ओल्ड कैशल, रॉबर्ट आर्मिन, विलियम कैंप, थॉमस थॉर्प। तो बताना है यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पे अगर हमको नहीं भी पता है तब भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। रॉबर्ट आर्मिन, विलियम कैंप, थॉमस थॉर्प, तीनों ऐसे ही नहीं है, तो यहाँ पे हमको नहीं भी पता है तब भी हम ए पे ही जाएंगे। जॉन ओल्ड कैशल नाम है, सर जॉन फॉलस्टाफ का जो ओरिजिनल नेम है वो जॉन ओल्ड कैशल ही है, और ये मेंशन हुए थे, मतलब ये मेंशन हुए थे, इनको मेंशन किया गया था फोर प्लेज में, लेकिन ये जिनमें से तीन ही प्लेज में ये अपीयर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। हु इज़ नोन एज द मेलनकली जैक्स, तो किसे मेलनकली जैक्स के नाम से जाना जाता है। मुझे लगता है सबसे ईजी क्वेश्चन है, तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सभी को पता होगा ये। तो यहाँ पे आपका ए करेक्ट हो जाएगा, जैक्स एज यू लाइक इट में मेलनकली नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। हु अकंपनीज रोजालिन एंड सीलिया इन दियर फ्लाइट टू द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि रोजालिन और सीलिया के जंगल की ओर भागने में उनके साथ कौन होता है। लवाचे, पक, टचस्टोन, योरिक। तो लवाचे तो नहीं है भाई, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल में है, पक भी नहीं है मिड्समर नाइट ड्रीम में है, योरिक तो उसमें है हैमलेट में है, बचा कौन, टचस्टोन। तो टचस्टोन ही है, वैसे सबको पता ही होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका टचस्टोन हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे। व्हाट इज़ द बेस्ट कोट ऑफ टचस्टोन इन एज यू लाइक इट। तो एज यू लाइक इट में टचस्टोन का सबसे बेस्ट कोट कौन सा है, सबसे प्रसिद्ध उद्धरण जो है वो कौन सा है। अ फिलो ऑफ इनफाइनाइट जस्ट कि द फूल डोंट थिंक ही इज़ वाइज, मतलब जो फूल है वो सोचते हैं कि वो बुद्धिमान है, जो मूर्ख है, मूर्ख अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं वो अपने आप को फूल समझते हैं खुद को। ये है कि फूल्स हैड नेवर लेस विट इन अ ईयर की होनरी फिका बिली ट्यूडी टैटीबस, ट्यूडी नहीं टैटीबस, इतना लंबा चौड़ा वर्ड है, ये तो नहीं होगा। अभी हमने पढ़ा, अब फील ऑफ इनफाइनाइट जस्ट किसे कहा गया है, योरिक को कहा गया है। योरिक कौन है, हैमलेट में है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इतना लॉन्गेस्ट वर्ड ये भी नहीं है, बचा दो। तो यहाँ पे मुझे लगता सभी को पता चल गया होगा कौन सा नहीं है, कौन सा है, तो यही है टचस्टोन का जो बेस्ट कोट है वो आपका यही है, एंड द फूल डॉथ वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। व्हाट थीम डू द ग्रेव डिगर्स इन हैमलेट प्रोग्रेस, इसका बताना है कि हैमलेट में जो ग्रेव डिगर्स थे कौन से विषय को बढ़ावा देते हैं वो।
किस थीम को वो बढ़ावा देते हैं, जो ग्रेव डिगर्स होते हैं, लव एंड रोमांस को कि डेथ बर्थ यूथ एंड ओल्ड एज को कि वॉर एंड पीस की विजडम एंड फोली, किसको वो बढ़ावा देते हैं जो ग्रेव डिगर्स होते हैं। तो हैमलेट में ही ग्रेव डिगर्स हैं जो अपने ग्रेट विट एंड इंटेलेक्ट टू गेट द बेटर ऑफ दियर सुपीरियर्स के लिए जाने जाते हैं, इन्होंने यूज़ किया है, एंड अदर पीपल ऑफ हायर स्टेट। तो यहाँ पे सबसे जो मेन बात है, दे सर्व टू प्रोग्रेस द थीम द डेथ बर्थ यूथ एंड ओल्ड एज। ठीक है, यहाँ पे ओल्ड एज नहीं है, ओल्ड एज है। ठीक है, तो इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हु इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डंकी हेडेड लवर ऑफ टाइटेनिया। अभी मैंने बताया भी है, क्वेश्चन आ भी गया है कि टाइटेनिया का जो गधाधारी प्रेमी कौन बनता है, डॉगबेरी, क्लाउन, निक बॉटम या ऑटोलिकस। तो ये सभी को पता है डॉगबेरी नहीं होगा, क्लाउन भी नहीं है, ऑटोलिकस भी नहीं, निक बॉटम बनता है ना। किसके द्वारा बनाया जाता है, पक के द्वारा। पक का रियल नेम क्या है, रॉबिन गुड फिलो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि ट्रांसफॉर्म्ड बाय पक। ओके, खैर पता होगा आप लोगों को। ट्रांसफॉर्म्ड बाय पक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑटोलिकस इन विंटर्स टेल। विंटर्स टेल में जो ऑटोलिकस है, इसका रोल क्या है, इसकी भूमिका क्या है। वाइज कोर्ट जेस्टर है कि रोग एंड पेडलर है, डोमेस्टिक फूल है कि सिंपल माइंडेड फूल है। सिंपल माइंडेड फूल तो नहीं होगा, वो तो रूड है, अभी हमने पढ़ा है मैकेनिकल्स, वो नहीं होगा। डोमेस्टिक फूल भी नहीं होगा, जस्ट अभी हमने पढ़ा लवाचे है। बचा क्या, वाइज कोर्ट जेस्टर, रोग एंड पेडलर बचा। दोनों में से बताना है, ये दोनों ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। ठीक है, दोनों में से बताना है उसका काम क्या था, उसका रोल क्या था। तो ये क्या था, एक यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, रोग एंड पैडलर। दुष्ट तो था, पैडलर भी था। ठीक है, एक दुष्ट और फेरी वाला, तो यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हु प्लेज ट्रिक्स ऑन मेनी कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग हिज ब्लाइंड फादर्स। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा कैरेक्टर अपने ब्लाइंड फादर पर चाले खेलता है, अपने जो अंधे पिता हैं, अंधे पिता पर भी बहुत वो ट्रिक करता है, चाल खेलता है। लॉन्सिलॉट गोबो, कोस्टर्ड लेंस या टच स्टोन बताना है यहाँ पे। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, लॉन्सिलॉट गोबो हो जाएगा। किस में है लॉन्सिलॉट गोबो, ये हम सभी को पता है, मर्चेंट ऑफ वेनिस में है, बहुत ही टॉक्टिव यंग सर्वेंट के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन कैसे भी पूछ लिया जा सकता है। तो ये क्या है, टॉक्टिव, ठीक है, ये टॉक्टिव यंग सर्वेंट के नाम से जाना जाता है, सर्वेंट के लिए जाना जाता है, ये याद रखना है। विद अ लॉट ऑफ ट्रिक्स टू प्ले अपॉन मेनी कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग हिज ब्लाइंड फादर, तो यहाँ पे आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, विच फूल यूजेज द लॉन्गेस्ट वर्ड इन शेक्सपियर्स वर्क्स। तो कौन सा फूल है जो एक लंबा वर्ड, एक लंबा शब्द का इस्तेमाल करता है। फेस्टे है, फूल है, किंग लियर में कोस्टर्ड है, ऑटोलिकस है, एक लंबे शब्द का यूज करता है। अब सभी को पता हो गया होगा कि कौन सा वो लंबा शब्द है, तो ऑनरेरी मैं लिख सकती हूँ, बड़ा सा वर्ड है, फीका, बिली, मैंने जैसे याद किया है वैसे ही बता रही हूँ, बिली, ऑनरी, फीका, बिली, ट्यूडी, ठीक है, बिली, ट्यूडी, ट्यूडी नहीं, टैटीबस, इतना लंबा वर्ड किसने यूज़ किया है। तो हम सभी को पता है कोस्टर्ड। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट इज़ द रोल, व्हाट इज़ द नोटेबल फीचर ऑफ द फूल इन किंग लियर। इसका बताना है, यहाँ पे पूछा जाएगा किंग लियर में जो फूल है उसकी क्या विशेषता है। वाइज एंड लॉयल, सिंपल माइंडेड, रोग एंड पैडलर, मेलनकली जैक्स। तो यहाँ पे सभी का हम लोग को पता ही है, अभी मैंने सब बता दिया है, तो वॉइस एंड लॉयल हो जाएगा कि जो किंग लियर में जो फूल है वो बहुत ही समझदार है और वफादार है। बाकी सिंपल माइंडेड तो मैकेनिकल को कहा गया, रोग एंड पैडलर किसे कहा गया, ऑटोलिकस को, मेलनकली कैरेक्टर कौन है, जैक्स है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हु इमिजिएटली अज्यूम द रोल ऑफ लियर्स प्रोटेक्टर एंड एडवोकेट, मतलब कौन तुरंत लियर का रक्षक और समर्थक बन जाता है, पक की लवाचित फूल या निक बॉटम। तो भाई जब किंग लियर तो तूफानी मतलब जब तूफान आता है, स्ट्रॉम आता है, वो बाहर निकलता है, तो जल्दी से तुरंत ही लियर का रक्षक और समर्थक कौन बन जाता है, फूल बन जाता है। किंग लियर में जो फूल है, फूल मिलता है ना। हु इज द टॉक्टिव यंग सर्वेंट इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस, पूछ लिया गया क्वेश्चन, अभी मैंने बताया आप लोग को। क्वेश्चन आया भी है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस में बातूनी युवा सेवक कौन है, बहुत टॉक्टिव यंग सर्वेंट कौन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभी मैंने बताया लॉन्सी लॉर्ड गोबो। नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच कैरेक्टर इज नोन फॉर यूजिंग मेलाप्रोपिस में, तो ये भी बताना है। मेलाप्रोपिस मतलब जो गलत शब्द को यूज़ कर ले, मतलब सही शब्द की जगह पे गलत शब्द का यूज़ कर ले, सेम जो उसका प्रोनंसिएशन हो सेम ही हो उसका यूज़ कर ले। सॉरी ओके तो कौन सा कैरेक्टर है जो गलत शब्दों का प्रयोग करता है, फेस्टिव फूल इन लॉन्सलॉट गोबो या पक, बताना है यहाँ पे। तो याद रखना है जो लॉन्सलॉट गोबो है ना, यही हैबिट है, इसकी हैबिट ही है मेलाप्रोपिस में करने की। तो ही इज, लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पे, ही इज इन हैबिट हैबिट ऑफ मेलाप्रोपिस में, ठीक है, यही है, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, एक मिनट, हु इज डोमेस्टिक फूल एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट में डोमेस्टिक फूल कौन है, तो दो डोमेस्टिक फूल है, एक तो लवाचे को याद रखना है आपने, ठीक है, ये भी डोमेस्टिक ही फूल है, अभी जस्ट हमने पढ़ा है। लवाचे किसमें है, ये डोमेस्टिक फूल है जो ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल में है, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल में है, ठीक है, एक आपका टच स्टोन है, ओके याद रखना है, एज यू लाइक इट में टच स्टोन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ टच स्टोन इन एज यू लाइक इट, तो एज यू लाइक इट में टच स्टोन का मेन रोल क्या है, ठीक है, उसकी मुख्य विशेषता क्या है। तो भाई वो कंपनी मतलब रोजालिन और सीलिया के साथ ही जाता है, वो साथ जाना ही उसका मुख्य विशेषता इसमें दिखाया गया। विच फूल सर्व्स टू प्रोग्रेस द थीम ऑफ डेथ इन हैमलेट, तो यहाँ पे क्या गया, हैमलेट में कौन सा फूल है जो डेथ के विषय को आगे बढ़ाता है, कौन सा फूल है जो सॉरी डेथ के जो विषय को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जो फूल है या ग्रोडिगर्स है, ऑटोलिकस है या लेंस है, ठीक है, बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट डज कोस्टर्ड मिक्स अप इन लव्स लेबर लॉस्ट, ठीक है, कोस्टर्ड जो है यही सबसे लंबा वर्ड यूज भी करता है ना, सबसे लंबा वर्ड यूज करता है लव्स लेबर लॉस्ट में। एक रस्टिक कंट्री कैरेक्टर है ये, याद रखना है, ये एक रस्टिक कंट्री कैरेक्टर है, ठीक है, कैरेक्टर है। और यही क्या करता है, मिक्स अप लव लेटर्स विच ही हैड टू द डिलीवर, लेटर्स को क्या करता है, मिक्स अप कर देता है। तो क्या चीज करता है, क्या चीज करता है ये, तो लेटर को, लव लेटर को मिक्स अप कर देता है, ठीक है, उसका लेटर उसे पहुंचा देता है, ओके। ये मैंने पढ़ाया भी है लव्स लेबर लॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हु इज नोन फॉर गिविंग सबटल एंड क्विक रिप्लाइज, पक फूल या टच स्टोन कोस्टर्ड, मतलब कौन सूक्ष्म और त्वरित उत्तर देने के लिए जाना जाता है, बताना है, ठीक है, बहुत ही क्विक आंसर देता है, क्विक रिप्लाइज के लिए जाना जाता है, कौन है, पक है कि फूल है कि टच स्टोन है कि कोस्टर्ड है। आई थिंक ये थोड़ा सा आप लोग के लिए, क्या पता पता भी होगा, इतना बहुत टफ नहीं है, ओके। पानी पी लूँ, आप लोग आंसर कीजिए। ओके तो देखिए, जो टच स्टोन है ना, ये एज यू लाइक इट में है, डोमेस्टिक फूल भी है, ये ड्यूक के ब्रदर फ्रेडरिक से बिलोंग करता है,
और ये रोजालिन और सीलिया का कंपनीड भी है, मतलब साथ जाता भी है उनके जब वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जाते हैं। तो इसी को याद रखना है, ही इज नोन, ठीक है, ही इज नोन फॉर हिज विजडम, विजडम एंड क्विक, ठीक है, ये याद रखना है, यही है क्विक एंड सबटल रिप्लाइज, ओके, सबटल रिप्लाइज। तो यहाँ पे टच स्टोन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, व्हाट इज द रोल ऑफ लेंस इन टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। तो यहाँ पे बताना है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में जो लेंस है उसका क्या रोल है, उसकी क्या भूमिका है, ठीक है। एक वाइट जज है, डोमेस्टिक फूल है कि क्लेवर मैजिशियन है कि सिंपल माइंडेड। डोमेस्टिक फूल ऐसे काट देते हैं, दो आपके सामने ऑप्शन है, आप बता सकते हैं कि क्या है, ठीक है। जो लेंस है ये टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में लेंस है, ये कैरेक्टर है, बताना है इसकी भूमिका क्या है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा फोर ऑप्शन में बताना है, क्योंकि फोर ऑप्शन में आपने बताना है, ठीक है, दो ऑप्शन में कट कर दे रही, फोर ऑप्शन में बताना है कि क्या है लेंस का रोल क्या है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ही हो जाएगा, सिंपल माइंडेड फूल हो जाएगा, ठीक है। एक रूट को याद रखिए इसको, हु बिकम्स पक्स लवर इन मिडसमर नाइट ड्रीम। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मिडसमर नाइट ड्रीम में पक का प्रेमी कौन बनता है, ओबेरॉन, टाइटेनिया, रोजालिन या सीलिया, पक की प्रेमी कौन बनता है, पक, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे पक नहीं होना चाहिए, पक की लवर थोड़ी ना, बॉटम, निक बॉटम, ठीक है, बॉटम की लवर कौन बनती है, तो टाइटेनिया। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु डज लॉन्सिलॉट गोबो प्ले ट्रिक्स ऑन इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो ये हमने पढ़ाया, अभी पढ़ा है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस में लॉन्सिलॉट गोबो किस पर चाले खेलता है, फालस्टाफ, ब्लाइंड फादर की जॉन फालस्टाफ, तो हिज ब्लाइंड फादर पे, वो सभी पे खेलता है, इंक्लूडिंग अपने इंक्लूडिंग हिज ब्लाइंड फादर, ठीक है, वो सभी पे ट्रिक्स खेलता है। नेक्स्ट वन पाएंगे, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑटोलिकस द विंटर्स टेल। तो ऑटोलिकस का रोल क्या है विंटर्स टेल में, वाइट जज है, वॉन्डरिंग सिंगर है कि क्लेवर कॉनमैन एंड पेडलर है कि सिंपल माइंडेड फूल है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा बताना है यहाँ पे, तो विंटर्स टेल में जो ऑटोलिकस है इसका रोल क्या है, ये एक चालाक कॉनमैन है, एक ठग और पेडलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, विच फूल इन लव स्लिबर आ जल्दी करते हैं, विच फूल इन लव स्लिबर लॉस्ट यूजेस द लॉन्गेस्ट वर्ड। ये क्वेश्चन फिर से आई थिंक रिपीट हुआ है ना, कि किस फूल ने लव स्लिबर लॉस्ट में सबसे लंबा वर्ड को यूज किया है, कोस्टर्ड ने, रिपीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा घुमा के पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फूल इन किंग लियर। इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये थोड़ा सा हिज वॉइस एंड लॉल, ये रिपीट हुआ है। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रिंक्यूलो इन टेम्पेस्ट। तो टेम्पेस्ट में ट्रिंक्यूलो का रोल क्या है बताना है, डोमेस्टिक फूल है, वॉन्डरिंग, किकलीवर, ये बताना है टेम्पेस्ट में जो ट्रिंक्यूलो का रोल है वो क्या है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक डोमेस्टिक फूल है ट्रिंक्यूलो, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट थीम डज लवर्स कंप्लेंट एड्रेस। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन छोड़ते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन दूसरी जगह से पूछ लिया कर दिया गया है, इस क्वेश्चन को तो छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमने लिया था फूल से, तो ये अलग ही लाइन पे चला गया है, ठीक है। तो इसमें हम 38 क्वेश्चन थे, 39 कैसे लगे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और इसका PDF चाहिए तो मेरे WhatsApp एंड Telegram पे जुड़ जाइएगा, आपको इसका PDF मिल जाएगा, ओके, और लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, लिंक देख लीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। तो कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा, बाय।